16 किलोमीटर, मान लीजिए धारा इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है, तो उल्टी दिशा में जाएगा कितना, 16 किलोमीटर। मतलब यहाँ से एक इधर हो गया पॉइंट, एक इधर हो गया, तो ये है 16 किलोमीटर, ठीक है, इस साइड जाएगा कितना समय लगेगा, 5 घंटे, ठीक है। तो ये 4 हो गया, बटे कर दो, 4 बन जाएगा, ठीक है। अगर इस साइड जा रहा है और इस साइड आएगा तो 28 किलोमीटर इस साइड आएगा, ठीक है। कितने घंटे में, समय वही रहेगा 5 घंटे। तो एक ये चाल मिल गया, एक ये चाल मिल गया, 16/5, 28/5। ये हो गया, तो इसको भाग दे देना, ये कितना आएगा, 5 भाग दे दो, ये प्रतिकूल है, यहाँ लिख लेना, ये है प्रति कोल है और ये है, ये 15 आएगा, ये ठीक है, 5 × 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आएगा 25 × 5 = 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिल गया, ठीक है। अब इसे पूछा क्या था, धारा की गति, सर वहाँ पर 3.5 आएगा, 3.5 कहाँ पे, पंत यही 15, एक बचाना शेष, तो 1 × 0 = 10, 5 × 2 = 10, ठीक है, भाग दो में आएगा इतना। अब पूछा है धारा की गति, ये पूछा है ना, बस ये जानते क्या होता है, घटा दो 5.6 में 3.2 घटा दो, ठीक है, 2 से भाग दे दो, आ गया कितना रहा है, 21वां चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 32। किलोमीटर प्रति घंटा लिखेगा वहां पे, ये वाला आया।